मानते चार होती हैं, मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब। प्यारे बच्चों, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इन समतों का तायुन किस तरह करें। तो इनके तायुन के लिए हम यहाँ पर एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि रोजाना सूरज निकलता है। अब आप ये मुशाहिदा कीजिए कि क्या रोजाना सूरज एक ही समत से निकलता है? तो आपका जवाब आएगा हाँ। तो प्यारे बच्चों, अब ये तय हो गया है कि रोजाना सूरज एक ही जानिब से तुलू होता है। तो फर्ज कर लें कि हमने इसे सूरज मान लिया है और सूरज इस जानिब से क्या होता है? तुलू होता है, और रोजाना इसी जानिब से सूरज तुलू होता है। तो प्यारे बच्चों, जिस जानिब से सूरज तुलू होता है वो समत होती है मशरिक की। कौन सी समत होती है? मशरिक की। तो हमें ये मालूम हो गया कि सूरज तुलू होता है मशरिक समत से। तो हमने इसे तय कर लिया कि सूरज के तुलू होने की समत मशरिक होती है। प्यारे बच्चों, अब बाकी बचती हैं तीन समतें, जुनूब, शुमाल और मगरिब। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक गुड़िया का। प्यारे बच्चों, अगर हम इस गुड़िया का चेहरा मशरिक की समत यानी के तुलू आफ्ताब की जानिब करके खड़ा करें या रखें, तो ये जानिब यानी जिस जानिब गुड़िया का रुख है वो मशरिक की होगी, और जिस जानिब गुड़िया की पुष्ट है वो जानिब होगी मगरिब की जानिब। कौन सी जानिब होगी? मगरिब की समत। इसका मतलब ये हुआ कि तुलू आफ्ताब की समत मशरिक होती है और उसके ऐन मुखालिफ समत मगरिब की होती है। बाकी बची दो समतें। प्यारे बच्चों, अगर हम इसका दायां हाथ इस्तेमाल करें तो दायां हाथ की जानिब हमेशा शिमाल की समत होती है। यानी अगर हम मशरिक की जानिब मुंह करके खड़े हैं या चेहरा करके खड़े हैं तो हमारे दाएं हाथ की जानिब शिमाल होगा। और बाकी बची ये एक सीन, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाएं जानिब हमेशा जुनूब की समत होती है। प्यारे बच्चों, इस सरगर्मी से हमने ये जान लिया कि जिस जानिब से सूरज तुलू होता है वो सम मशरिक की होती है, और इस जानिब रुक करके खड़े होने पर हमारे कुश्त की जानिब मगरिब होगी, और हमारे दाएं हाथ की जानिब शिमाल की समत होगी, और हमारे बाएं हाथ की जानिब जुनूब की समत होगी। तो बच्चों, याद रहे कि सूरज के तुलू होने की वजह से हम बा आसानी मशरिक, मगरिब, शिमाल, जुनूब को पहचान सकते हैं। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये समते हम कैसे पहचानेंगे? जब हम सूरज की जानिब रुक करके खड़े रहेंगे तो ही हम पहचान सकेंगे कि सूरज की समत मशरिक, उसके बिल्कुल मुखालिफ मगरिब, उसके दाएं हाथ पर शिमाल और बाएं हाथ पर जुनूब की समत होती है।